प्रकृति के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना संभव नहीं है। जल जंगल के बिना जन का जीवन संभव है क्या? साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी इस प्रश्न का उत्तर जानता है, लेकिन लालच से वशीभूत आदमी प्रकृति का संवर्धन करने की जगह निरंतर उसका शोषण कर रहा है। हालांकि वास्तविकता यही है कि वह प्रकृति को चोट नहीं पहुंचा रहा है, वरन स्वयं के जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में समाज को जगाने के लिए उसके भीतर पर्यावरण के प्रति संवेदना चेतना पैदा करने का अनुकरणीय कार्य ग्वालियर के फेफड़े नाम से अभियान चलाकर किया जा रहा है। समाज सेवी ब्रजराज सिंह जी और भानु प्रताप जी ने आगे बढ़कर ग्वालियर में अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए लोगों को जोड़ना शुरू किया है। ग्वालियर के फेफड़े अभियान से अधिक लोगों को जुड़ना चाहिए। ग्वालियर के फेफड़े यानी सघन वन जो हमें प्राणवायु देते हैं, ऐसे वृक्ष बचेंगे तब ही हम सब बचेंगे। हमारे ऋषि जंगल को आनंददायक कहते हैं, अरण्यम ते पृथ्वी श्योनमस्तु। यही कारण है कि हिंदू जीवन के चार महत्वपूर्ण आश्रमों में से ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास, इनका सीधा संबंध वनों से ही है। हिंदू संस्कृति में वृक्ष को देवता मानकर पूजा करने का विधान है। सम्राट विक्रमादित्य और अशोक के शासनकाल में वन की रक्षा सर्वोपरि थी। चाणक्य ने भी आदर्श शासन व्यवस्था में अनिवार्य रूप से अरण्यपालों की नियुक्ति करने की बात कही है। हमारे महर्षि यह भली प्रकार जानते थे कि पेड़ों में भी चेतना होती है, इसलिए उन्हें मनुष्य के समतुल्य माना गया। हिंदू दर्शन में एक वृक्ष की तुलना मनुष्य के 10 पुत्रों से की गई है। कितना सब वृक्षों का महत्व है। इसलिए आइए ग्वालियर के फेफड़े अभियान से जुड़कर ग्वालियर अंचल में अधिक से अधिक पौधे लगाएं। हमारा प्रयास हो कि इस अभियान की गूंज समूचे प्रदेश में ही नहीं अपितु देश में भी पहुंचे। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।